या yeah, जैसे मैंने अभी बहुत सारा अलग अलग कैरेक्टर्स करती हूँ तो कुछ तो हम एज एक्टर्स ले जाते हैं उस कैरेक्टर से ऑब्वियसली uh, क्योंकि हम इतने दिन वो निभाते हैं वो कैरेक्टर लाइक लिटरली लिव एवरी डे ऑफ अर लाइफ ट्वेल्व आवर्स उसी कैरेक्टर में तो जब अभी मैं कोयल कर रही हूँ तो यहाँ पे भी जब मैं घर जाती हूँ तो अः uh, मेरे को ऐसा फील हो रहा है इतने दिनों में कि एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइक बिकॉज कोयल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है अः हल्का हल्का वो आता है और यू नो बॉडी लैंग्वेज में भी तो कभी कभी आ जाता है बट आई मेक श्योर कि मैं अपना काम मतलब यहाँ सेट पे छोड़ के जाऊं और घर पे चिल करूँ बिकॉज कुछ ही घंटे हमें मिलता है वैसे भी सो so, यस yes. हाँ मैंने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए अपना एक छोटे मोटे स्क्रिप्ट लेके फनी वीडियोस फिर मैंने पेंटिंग की आ, मैं पहले भी करती थी बट बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला तो ये बहुत सालों बाद मैंने फिर से अपना ये टैलेंट एक्सप्लोर किया पेंटिंग का उसके अलावा योगा किया मैंने दो दो बार दिन में क्योंकि इतना टाइम है कुछ करने को नहीं है तो मैंने सोचा हेल्थ पे ध्यान दो <laughs> आ, सो ये सब और अलग अलग फंकी कुकिंग किया ट्राई किया बिकॉज मैंने पहले कुकिंग नहीं करती थी इतना बट लॉकडाउन में क्या करें अब तो काफी सारे चीजें ट्राई की डेलगोना कॉफी और ये सब चीजें जी जब मुझे एक्चुअली uh, ये मैं uh, करेक्ट करना चाहूँगी नेगेटिव नहीं है क्योंकि जब मुझे uh, मेरे uh, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी है सचिन सर इस शो के तो उन्होंने उनका ही ये पूरा कैरेक्टर डिजाइन किया है उन्होंने ये कोयल को बनाया है तो उन्होंने जब ये मुझे अः ये कैरेक्टर के लिए मैं अप्रोच हुई थी तो ऑब्वियसली मुझे ये बोला गया कि तीन लोगों के बारे में ये शो है राम दुलारी और कोयल और ये कुछ पति पत्नी और वो टाइप्स है कि एक कपल है राम दुलारी और ये आ, उनके लाइफ में आती है राम को अपना बनाना चाहती है तो उसके वैलिड रीजन है कोयल के जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली क्योंकि आपको शो देखना होगा तो कुछ तो कनेक्शन है राम के साथ जिसके वजह से वो मतलब करती है जो करती है तो ये बिल्कुल लॉजिकल है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव नहीं है बट बहुत स्मार्ट है ऑब्वियसली मैनिपुलेटिव भी है चार्मिंग है कोयल और लोगों को मतलब लिटरली वो घुमा सकती है अपने उंगलियों पे बोला जाए देखा जाए तो सो so, यस yes. सो so, इसीलिए मैंने कैरेक्टर लिया बिकॉज ये बहुत चैलेंजिंग है और वैसे भी एज एक्टर्स आई बिलीव की हमें हर तरीके के रोल्स को ट्राई करना चाहिए बट इसमें तो हर फ्लेवर है इस कैरेक्टर में सो so मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है एज एन एक्टर टू डू जस्टिस टू द रोल जैसा सर ने सोचा है क्रिएटर्व ने सोचा है वैसा करने के लिए तो यस आई एम ट्राइंग अभी तो बस एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं मतलब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट अगर कुमोलिका इज लाइक अ वेरी फेमस कैरेक्टर सो थैंक्स फॉर दैट बट आई थिंक ये जो कोयल वाला चेन पहनती है वन ऑफ इट्स काइंड पहली बार मतलब कोई नाम का चेन पहनती है तो उससे पता चलता है ये कैरेक्टर कितनी स्टाइलिश है सेल्फ ऑब्सेस्ड है उसे पता है कि वो बहुत ही अः uh, खूबसूरत है या वटेवर तो ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक बिकॉज uh, काफी मेहनत किया एक तो बहुत ग्लैमरस है इंडो वेस्टर्न है ग्लैमरस है और ये एक्चुअली कोयल जो कैरेक्टर उसका कैरेक्टर खिल के आता है जब हम मैं इस गेटअप में आती हूँ तो आई कैन लाइक रियली फील कोयल सो आई एम एंजॉइंग अलॉट ड्रेसिंग अपल अलॉट सब कुछ डिफरेंट हो गया है लॉकडाउन के बाद मतलब hmm. ऐसा लग रहा है कि दूसरी दुनिया में आ गए हैं बट अभी नॉर्मल हो रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मेंटेन करना पड़ रहा है सेट पे जिसकी वजह से अदरवाइज हम लोग मतलब एक दूसरे रूम में चिल करते थे पहले पेंडेमिक के पहले बट अभी ऐसा नहीं है हम लोग अपने अपने रूम में रहते हैं बस सेट पे साथ इकट्ठा बैठते हैं शॉर्ट्स के बिटवीन तभी बात करते हैं वो भी काफी डिस्टेंस में बैठते हैं तो वही थोड़ा सा मतलब अपने आप में ज्यादा रह Yeah. को मिल रहा है या yeah. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ एक तो मेरे को पूरे सारे कास्ट बहुत अच्छे और पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाइब्स आती है सबसे तो आ, काफी अच्छी बनती है मेरी निखिल के साथ जो राम प्ले कर रहे हैं दुलारी के साथ भी आ, तो वो अच्छा कनेक्शन है सबके साथ आई एम रियली एंजॉयिंग मतलब लगता नहीं है कि कोई नया पे आई हूँ कोयल इज रियली गुड इन मेपिंग पीपल एंड डीलिंग विथ पीपल विच आई एज शामिन इज नॉट दैट ग्रेट मैनिपुलेट करना मतलब मुझे आता नहीं है बट या uh, yeah, तो मैं चाहूंगी कि ये सीखू मैं कोयल से कैसे मैन्यूपुलेट करते हैं लोगों को और कैसे इतनी ज्यादा चार्मिंग हो सकते हैं अपनी बातों से सबको घुमा देती है वो और uh, तो कैसे चलेगी वो कैसे बात करेगी इसका तकिया कलाम है एक आए बड़े बड़े स्टाइल में बोलती है तो ये भी हमने बहुत तरीके के अलग अलग वे में बोला और फिर सर ने सचिन सर ने और मैंने लाइक हमने मिलके डिसाइड किया कि कौन सा रखेंगे कौन सा स्टाइल बोलने का तो ये सब काफी सारा वर्क किया रिसर्च भी किया मुझे बोला कि बहुत सडक्टिव दिखना है मैंने सोचा किसको मैं मतलब रियल लाइफ से मुझे इंस्पिरेशन लेना था आई डेंट टू कॉपी एनीबडी कोई मूवी देख के तो मैंने मैरिलिन मोनरो के रियल फुटेजेस भी देखे क्योंकि उससे उनसे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई सिडक्टिव वर्ल्ड में नहीं थी लाइक शी वॉज सिडक्टिव एंड क्लासी एंड बहुत ही चार्मिंग तो मैंने वो देखे और बहुत सारे रियल लाइफ पर्सनैलिटीज के छोपड़ा भी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है उस, उनका उनकी वॉइस बहुत अच्छी है तो सा एक वॉइस भी प्रैक्टिस मतलब हर तरह फिजिकल इमोशनल मेंटल लेवल पे आ, मैंने तैयारी की कोल प्ले करने के लिए और ये आ, जो तैयारी थी ये फेज बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मैं दिन पूरे दिन घर पे ये करती रहती थी हमने वर्कशॉप भी किए कुछ रीडिंग्स किए तो और समझ में आया कैरेक्टर सो तो इसीलिए इतना मजा आ रहा है ये करने के लिए